रेल प्रशासन ने कोविड मरीजों के लिए 23 कोच की आइसोलेशन ट्रेन तैयार की है, जो अब उसके गले की फांस बन गई है। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं होने के कारण जिला प्रशासन ने लेने से इनकार कर दिया है, जबकि इस पर रेल प्रशासन ने करीब 10 लाख से अधिक का खर्चा किया है। रेलवे बोर्ड के निर्देशों पर सभी जगह जिला प्रशासन के लिए रेलवे की ओर से आइसोलेशन ट्रेन तैयार की गई है। कोटा में रेलवे की ओर से 23 कोच की आइसोलेशन ट्रेन तैयार की है, जिसमें 20 कोच में 320 मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसको तैयार करके खड़ा कर लिया गया है। अब प्रशासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने के कारण लेने से मना कर दिया है। इस ट्रेन को तैयार करने में लाखों रुपए का खर्च करने पर रेलवे के कर्मचारी नेताओं ने पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी थी तथा इसे कमीशन का खेल बताया था। कलेक्टर उज्जवल राठौर का कहना है कि इस ट्रेन में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए गंभीर मरीजों को यहां भर्ती नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वहीं सीएमएचओ ने ऐसी कोई ट्रेन के बारे में जानकारी होने से साफ इनकार किया है। उधर रेलवे के सीनियर डीसीएम अजय पाल ने कहा है कि रेलवे बोर्ड के आदेश पर इस ट्रेन को तैयार किया गया है। इसमें केवल कोविड के मरीजों को भर्ती किया जाना है। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की बीच में व्यवस्था की गई है। ट्रेन पूरी तरह तैयार है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई डिमांड नहीं की गई है। पिछली बार भी इस प्रकार की ट्रेन बना करके दिल्ली भेजी गई थी। अभी भी ट्रेन तैयार है, जो भी आदेश होगा उसके अनुसार इसका उपयोग किया जाएगा।